हारून से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। धर्मेंद्र चंदेल के बैंक खाते में अचानक आए 44 लाख रुपए। इस बात की शिकायत को लेकर धर्मेंद्र सिटी कोतवाली पहुंचा। बता दें कि धर्मेंद्र चंदेल नाम का यह युवक 2008 में एक्सिस बैंक गुना ब्रांच में गाड़ी चलाता था। उस समय वहां पर पदस्थ मैनेजर ने इससे डॉक्यूमेंट मंगवाए और बताया कि डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने होंगे, जब तक तुम नौकरी करोगे तब तक तो सब ठीक था। पर अचानक कुछ माह पूर्व इस बेचारे टैक्सी ड्राइवर के पास आयकर विभाग ने नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि इसके अकाउंट से 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जिसके चलते इसे टैक्स जमा करना पड़ेगा। नोटिस को पढ़ते ही इस टैक्सी ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बात की शिकायत करने धर्मेंद्र सिटी कोतवाली पहुंचा, जिस पर थाना प्रभारी विवेक अस्थाना ने जांच का आश्वासन दिया। वहीं धर्मेंद्र को कोतवाली बुलाया गया और उसे बताया गया कि उसके खाते में 44,70,000 रुपया है। वहीं बैंक का कोई भी नुमाइंदा या कर्मचारी हमारे किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं कि आखिरकार टैक्सी ड्राइवर के खाते में इतना पैसा कहाँ से आया। वहीं धर्मेंद्र की माने तो वर्ष 2008 में जो मैनेजर पदस्थ था फोन करके बार बार ये कह रहा था कि तुझे थाने जाना नहीं चाहिए था। अगर तूने पुलिस को ज्यादा कुछ बताया तो मेरी पकड़ बहुत ऊपर तक है। अब देखना ये होगा कि पुलिस टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर किस तरह से कार्य करती है और कब तक दोषियों को सलाखों के पीछे डाल पाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धर्मेंद्र का यह बैंक खाता कई वर्षों पूर्व बंद हो चुका है। मैं महावीरपुरा में रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, एक्सिस बैंक की गाड़ी चलाता था 2008 में। कौन से बैंक की? एक्सिस बैंक की। अच्छा, तो उसमें क्या है कि जब मुझे मेरा खाता खुल दिया फर्जी, मुझे पता नहीं जानकारी उसकी, और मैंने तो एक खाता खुलवाया था। इसके बाद में इनकम टैक्स वाले मेरे पास आए, उन्होंने 5 लाख रुपये इनकम टैक्स बताया मेरे लिए। अब मुझे इनकम टैक्स का पता नहीं बिल्कुल, जो 5 लाख रुपये इनकम टैक्स कहाँ से आया। बाद में मैंने रिपोर्ट मपोर्ट डाली, एस पी साहब को आवेदन दिया, सिटी कोतवाली में आवेदन दिया। इसके बाद में पता चला कि कोतवाली में आवेदन देने के बाद में मुझे साहब ने बुलाया, तो उसमें पता चला पहले 10,66,000 रुपये का टर्नओवर था। बाद में पता चला कि उसमें 44,40,000 रुपये 136,000 कुछ जमा है अभी आपके खाते में। जी मुझे पता नहीं कैसे डाले गए और कैसे निकाले। बैंक मैनेजर ये बोल रहा है कि मैंने बैंक मैनेजर को फ़ोन लगाया तो मुझसे बैंक मैनेजर ये बोलता है, फोन लगाया तो मैंने कहा साहब वो खाता आपने खुलवाया था मेरा, मैंने कही इसमें मैंने कहा ट्रांजेक्शन इतना कैसे हो गया। तो मुझसे बैंक मैनेजर मुझसे जो बोलता है कि तूने मुझे फ़ोन लगवा रहा है, धमकी दे रहा है कहीं है, कहीं 2 मिनट में कमिश्नर से कह के तेरी धजियाँ उड़वा दूंगा कहीं, अभी हाल कहीं अगर कहीं तुम मुझसे चुपचाप रहेगा कहीं तो मैं उसको निपटा देता कहीं। अब तू कोई कोतवाली में रिपोर्ट डाल, वो अकाउंट नंबर मुझे पता ही नहीं और वो ट्रांजेक्शन चलता रहा और बढ़ता रहा, मुझे जानकारी नहीं हुई। क्या नाम है?